हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास 6 बायोलॉजी वीडियो ऑफ लेसन नंबर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 7। ऑलरेडी 6 वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर आई हैव अपलोडेड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हेन फूड इज पुश्ड आउट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विल रीड द होल कंसेप्ट। सो हेयर बेटा, फर्दर द डाइजेशन ऑफ फूड एज वी हैव स्टडीड दैट प्रोटीन इज कन्वर्टेड इन टू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, कैसिन इज कन्वर्टेड इन टू पैराकैसिन एंड ऑल थ्री थिंग्स मेक अ थिक पेस्ट दैट इज कॉल्ड काइम। सो नाउ वॉट हैपन्स टू द काइम फॉर द फर्दर डाइजेशन ऑफ काइम। बेटा जो फूड है थिक पेस्ट है उसकी फर्दर डाइजेशन के लिए दैट इज टेक प्लेस इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आई हैव टोल्ड यू इन द फिफ्थ पार्ट दैट स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन थ्री पार्ट्स, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट, राइट। सो दिस डाइजेशन हैपन्स इन द अपर पार्ट, टेक्स प्लेस इन द अपर पार्ट वेयर बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, बाइल जूस, वी हैव स्टडीड इन द ग्लैंड्स दैट लीवर कंटेन्स बाइल जूस विच इज येलो ग्रीनिश कलर विच इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। सो बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज आर रिसीव्ड हियर। काइम पे बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस बोथ एक्ट्स ऑन इट। नाउ लेट्स स्टडी बाइल। इट इज मेड इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, टेम्परेरली स्टोर्ड हियर, राइट। ऑल्दो इट डजंट कंटेन एनी एंजाइम, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इन टू टाइनी ड्रॉपलेट्स, राइट। बाइल क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन द फैट्स इन टू टाइनी, टाइनी मीन्स स्मॉल, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ये उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है फॉर द एंजाइम टू एक्ट, सो दैट कि फर्दर जब इस पर एंजाइम एक्ट करे तो ये प्रॉपरली ब्रेक हो जाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड एन एल्केलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। बेटा जब खाना स्टमक में आता है, हमने पहले भी स्टडी कराया दैट स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड को एसिडिक मीडियम देता है इन स्टमक। लेकिन फर्दर जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस उसको एल्केलाइन होता है बेसिक, एक एसिड होता है दूसरा बेस होता है, तो एसिड स्टमक में था, एल्केलाइन मीडियम चाहिए होता है पैनक्रियाटिक जूस को एक्ट करने के लिए इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कौन देता है ये मीडियम, दिस मीडियम इज गिवन बाय द बाइल जूस, राइट। फॉर अभी बाइल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, बाइल जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। नाउ व्हाट हैपन इन द पैनक्रियाज, ट्रिप्सिन अगेन एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स that are proteases and peptones and changes them into polypeptides, right? Protein, proteases and peptones इनके ऊपर trypsin act करेगा and change them into the polypeptides. These are further broken down, ये further breakdown होते हैं into amino acids. Next is lipase. That is the second enzyme that comes out of the pancreas. Lipase act on the fat. Fat को किसने small droplets में change करा था, bile ने, ताकि further enzyme जो है उसको break down करते. Now lipase acts on the fats to change them into fatty acids and glycerols. Lipase क्या करता है, change करता है fat को fatty acids and glycerol में. Then बचा sugar, carbohydrates. Carbohydrates are digested in the small intestine as follow. First of all, maltose. Maltose changes maltose into glucose. Maltase changes maltose. Maltose हमने सबसे पहली वाली रिएक्शन में पढ़ा था जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था. लास्ट वीडियो में वी हैव डन दैट, राइट। सो माल्टेज क्या करता है, माल्टेज माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है एंड इट चेंजेस इट इनटू द ग्लूकोज। सुक्रेज इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ शुगर, सुक्रेज चेंजेस सुक्रोज, सुक्रेज क्या जैसे माल्टेज वैसे ही सुक्रेज, उसमें भी ए आता है इसमें भी ए आता है, द ओनली डिफरेंस।
सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एक्ट करता है एंड इट चेंजेस इट इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. एंड देन लैक्टेज क्या करता है, वो लैक्टोज को, देखो सिर्फ ए और ओ का डिफरेंस है बेटा, लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एक्ट करता है, चेंज इट इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. राइट, पहले इतना हम करेंगे एक बार फिर से. सी दिस बेटा, फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन द अपर पार्ट होती है. राइट, वी हैव स्टडीड दिस. हेयर बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज दे ब्रेक डाउन द बाइल जूस ब्रेक डाउन द फैट्स इंटू टाइनी ड्रॉपलेट्स. हेयर पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाटिक जूसेज हैं दैट कंटेन्स टू एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन प्रोटियोसिस पेप्टोन्स एंड ट्रिप्सिन चेंज ऑल थ्री थिंग्स इंटू द पॉलीपेप्टाइड्स. हेयर लाइपेज, लाइपेज एक्ट्स ऑन द फैट्स एंड चेंज इट इंटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. राइट बेटा, वाइल के हमने पढ़ा है दैट के चेंज करता है इंटू फैट्स इंटू टाइनी ड्रॉपलेट्स एंड प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस. फर्दर बेटा, शुगर, शुगर के अंदर हमने थ्री पार्ट्स पढ़े हैं, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज. व्हेन माल्टेज एक्ट्स ऑन द माल्टोज इट चेंजेस इट इनटू द ग्लूकोज. व्हेन सुक्रेज एक्ट्स ऑन द सुक्रोज इट चेंजेस इट इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. व्हेन लैक्टेज एक्ट्स ऑन द लैक्टोज इट चेंजेस इट इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. राइट बेटा, सो फर्दर द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट ओनली डाइजेस्ट द फूड बट ऑल्सो अब्सॉर्ब इट. सो एक क्वेश्चन हो सकता है दैट वेयर द डाइजेशन गेट कम्प्लीटेड, डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ही सेड स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ डाइजेस्ट ही नहीं करवाती खाना बट उसको अब्सॉर्प्शन भी वहीं पर होती है खाने की. नाउ द विलाई, विलाई इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बेटा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, मैंने बताया हुआ है पहले भी. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ब्लड कैपलरीज, इसके अंदर ब्लड कैपलरीज होती हैं. द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ दीज ब्लड कैपलरीज एंड एंटर इन टू द ब्लड स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन. विलाई क्या करता है ना कि जब खाना डाइजेस्ट अब्जॉर्ब करना होता है देन इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है. एंड डाइजेस्टेड फूड जो है पास होता है थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरी, उसमें से पास होकर ब्लड में एंटर कर जाता है एंड दिस इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन. राइट, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट वी हैव डन. द अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट, कौन करता है अब्सॉर्प्शन, किसके थ्रू होती है, थ्रू द विलाई. ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इंटू टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर एंजाइम इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इंटू टाइनी ड्रॉपलेट्स.